हाय एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी, पकौड़ा कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, सिर्फ आलू और एक पाव से क्रिस्पी मुरमुरा पकौड़ा कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखते रहिए पकौड़ा कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ का आलू बॉईल कर लिए हैं और एक पाव लिए हैं। आलू और पाव सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। पहले आलू हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद पाव छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसमें दे दूँगी। पाव छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आलू में दे दिए हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक दे दूंगी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर। सारे मसाला दे दिए हैं, इसमें भी दे दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया और थोड़ी सी जीरा। देखिए सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए सारे मसाले के साथ मिक्स करके एक डो मैंने बना लिए हैं। अभी एक सब्ज़ी कटने का बोर्ड में लेकर पकौड़ा बनाऊंगी, पकौड़े की शेप दे दूंगी। चाकू से इस तरह से काट के पकौड़ा का शेप दे दूंगी। आप लोग किसी भी शेप में बना सकती है, मैं इस तरह से काट लूँगी। देखिए कितने धीरे धीरे से काट रही हो, नहीं तो खराब हो जाएगी इसीलिए। ये देखिए सारे कितने सारे अच्छे से पकौड़े के शेप दे दिए हैं। देखिए तो चलिए अभी तेल में फ्राई करते हैं। पकौड़ा फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें सरसों का तेल दे दिए है। इसमें अभी सारे पकौड़ा दे देना है, एक एक के आधे से ज़्यादा पकौड़ा दे दूँगी इस तरह से। तेल बहुत ही गर्म हो चुकी है। एक साइड जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो दूसरा साइड भी फ्राई कर लेना है। देखिए एक टूट गई थी तो निकल के मैंने रख दिए है साइड में, देखिए इसीलिए तेल इस तरह से हो गई है। अभी तेल से निकल लेना है और दो तीन
पकौड़ा है वो भी फ्राई कर लेना है। इस तरह से ये भी फ्राई कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है पकौड़ा की, बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है। ये पकौड़ा भी हो चुकी है, सारे तेल से निकल के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी सुपर टेस्टी क्रिस्पी पाव पकौड़ा देखिए, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी कलर आई है। आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।